हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ परसेंटेज चैप्टर के बारे में। पढ़ेंगे डिटेल में परसेंटेज चैप्टर से रिलेटेड हर एक छोटी छोटी कॉन्सेप्ट को, जो कि आपके एग्जांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे आप आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी ग्रुप डी एंड जेई एग्जांस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियोज मददगार साबित होंगे। और भी अगर आप किसी दूसरे गवर्नमेंट एग्जांस प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें मैथमेटिक्स सिलेबस में है तो उसमें भी परसेंटेज चैप्टर डेफिनेटली होगा। यू कह लीजिए कि ये पूरा मैथमेटिक्स का हर्ट है, यानी कि परसेंटेज चैप्टर जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मैथमेटिक्स को पढ़ता है या फिर उसका बेसिक क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का जब मैथ्स पढ़ते हैं तो उसमें हम लोगों को डिटेल में प्रोसेस वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना मतलब एक सही तरीका नहीं होता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन देख करके कुछ सेकेंड में आंसर लाने होते हैं, ना कि आपको डिटेल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके आंसर लाने होते हैं, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं होता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपके पास 36 टू 40 सेकेंड रहता है तो आपको उतना सेकेंड के अंदर ही आंसर आना चाहिए। मैं इस वीडियो में डराऊंगा नहीं आप लोगों को कि मैं कैसे ला लेता हूँ, बट कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। मेरा मकसद मेन रहेगा आपको सिखाना है कैसे सोचता हूँ मैं, कैसे कैसे किया जा सकता है। और सच में कुछ कुछ क्वेश्चन के आंसर तो 20 सेकंड में 25 सेकंड में भी आएंगे, और आप क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो लगेगा क्वेश्चन तो बहुत भारी भारी है, और रियल में एग्जांस में क्वेश्चन टफ टफ रहते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे अच्छे से और ट्रिक्स को समझ जाएंगे अच्छे से तो आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी फॉर्मूला मैं नहीं सिखाऊंगा आप लोगों को, फॉर्मूला रट्टा मार लीजिए तो हो जाएगा। कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, तरीका सिखाने वाला हूं किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, शुरुआत करते हैं बेसिक्स ऑफ परसेंटेज से। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो है परसेंटेज चैप्टर पढ़ते हैं, तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज का चार्ट जो है यहाँ पर गिवन है, यानी कि फ्रैक्शंस में आपको वैल्यूज गिवन रहेंगे। जैसे कि 1/3 है तो ये फ्रैक्शंस में गिवन है, इसको परसेंटेज में अगर लिखा जाएगा तो इसको 33 whole 1/3 परसेंटेज भी लिख सकते हैं, या फिर इसी को हम लोग 33.33 परसेंटेज भी लिख सकते हैं। ये आया कैसे, ये आता है सिंपल में 1/3, और अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इनटू हम लोग 100 करते हैं, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को ये मिलता है या फिर ये मिलता है। तो इस तरह से हम लोगों का पूरा जो है वैल्यू जो है ये सभी जो है ना कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंटली यूज्ड नंबर्स हैं ये, और फ्रीक्वेंटली यूज्ड फ्रैक्शंस हैं, यानी कि इसको आप FUF बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज्ड फ्रैक्शंस तो और परसेंटेज। तो ये वैल्यूज आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि बार बार क्वेश्चंस में जो रहते हैं वो आपको दिए हुए रहेंगे कि किसी भी रेक्टेंगल का लेंथ जो है वो 33 whole 1/3 परसेंट से इंक्रीज कर गया। अब ये परसेंटेज में गिवन है, तुरंत नॉर्मल स्टूडेंट तो इसका परसेंटेज को पूर्णांक को तोड़ेगा फिर नॉर्मल इसको फ्रैक्शन में लिखेगा, बहुत टाइम बर्बाद करेगा। लेकिन जिसको याद होगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू वो सीधा लिख देगा 1/3, राइट, फ्रैक्शन में। तो इसीलिए याद रखना जरूरी है। तो कभी भी क्वेश्चंस में इसी फॉर्मेट में आपको दिए हुए रहेंगे या जो भी यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियोस को पॉज करके इल्मिनान से इसको लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपके सामने आपके स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन आ चुका है। आई होप आपको क्वेश्चन जो है विजिबल होगा अच्छे से। नहीं है विजिबल तो मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ दे रहा हूं एटलीस्ट। क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ जो है किसी भी रेक्टेंगल का इज इंक्रीज बाय 60%, यानी कि एक रेक्टेंगल है उसका लेंथ को 60% से बढ़ा दिया जाता है। तो 60% तो 60% जैसे ही आया आपके मन में आना चाहिए 60% का मतलब क्या, 60% का मतलब आपका तुरंत माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए 3/5 होता है। अब ये 3/5 सर आप कैसे ला लिए, देखिए प्रैक्टिस से होता है याद आता है, लेकिन मैं प्रोसेस बता देता हूं कैसे आया। 60 और परसेंटेज है, परसेंटेज के बदले मैं 100 लिख देता हूं यहां पे परसेंटेज हटा करके, तो क्या हो गया यहां पे कैंसल, और इसका हाफ 3 और इसका हाफ 5, तो 3/5 आ गया ना। तो ये इसी तरह से 3/5 आया, तो ये इसको लिख सकते हैं ऐसा। क्या कहता है कि इंक्रीज बाय 60% बाय व्हाट परसेंट शुड द ब्रेथ टू बी डिक्रीज्ड टू मेंटेन द सेम एरिया, मतलब कहते हैं आयत की लंबाई 60% बढ़ाई जाती है तो वही क्षेत्रफल वही रहे तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है आपका टोटल और यहाँ पर है कमी, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 5 जो है बेस है, टोटल मानते हैं हम लोग इसको, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदला हम लोगों ने, इसको बेस मानते हैं जो डिनोमिनेटर में रहता है। क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, कितना इंक्रीज करेगा जो न्यूमरेटर में है, तो प्लस 3 कर देंगे कितना आ गया 8 आ गया, कितना आ गया 8 आ गया। अब इस दोनों के बीच में पहले वाला जो है इस दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है
थ्री का डिफरेंस ऐसे है तो ब्रेथ निकाल लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/3 टोटल, टोटल कितना टोटल, और इसका परसेंटेज निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे परसेंटेज, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 12.8, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12.8 जब होगा तो ये हो जाएगा कितना आपका 37.5, ठीक है 37.5% तो ब्रेथ में इतना परसेंट का डिक्रीमेंट करना होगा। कितना इजी में बन गया, कोई फॉर्मूला लगा क्या, नहीं लगा, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड बाय 20%। तो लेंथ को कितना परसेंट से इंक्रीज किया जा रहा है 20% से, और 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/5, राइट, और एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली, तो ब्रेथ कितना है 25%, 25% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/4, और दोनों को बढ़ाया जा रहा है, तो कहता है इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द रिजल्टिंग रेक्टेंगल विल बी, कहता है कि लेंथ को 20% से और ब्रेथ को 25% से बढ़ाया जा रहा है तो एरिया में कितना परसेंट का इंक्रीमेंट होगा, यानी आयत का क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा, इसको निकालना है। देखिए प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि डिनोमिनेटर को हम लोग क्या लेते हैं बेस लेते हैं, और बढ़ाया अगर जाएगा तो न्यूमरेटर वाला को हम लोग ऐड कर देते हैं, कितना होगा 6 हो गया। नीचे आइए ब्रेथ वाला केस में क्या होगा, 4 है बेस वैल्यू और इसमें भी बढ़ाया जा रहा है, कितना से बढ़ेगा 1 से, तो कितना हो जाएगा 5। एरिया में कितना परसेंट है, तो एरिया का आप लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ रेक्टेंगल में, तो क्या हो जाएगा ये 20 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 हो जाएगा, तो कितना का एरिया में डिफरेंस दिख रहा है आपका 10 का, और बेस वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, बेस वैल्यू हम लोग ले लेंगे ये वाला 20 वाला, क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं इससे, तो कितना का इंक्रीमेंट हुआ है 10 से, अब बटे में क्या हो जाएगा 20, परसेंटेज निकालिएगा तो 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50%, कितना हो जाएगा 50% इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 50% से क्या हो जाएगा इसका आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो इंक्रीमेंट होगा उसमें, अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों को बढ़ाया जाएगा कुछ परसेंटेज से। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, नहीं भी समझ में आ रहा है धीरे धीरे देखते चलिए आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लेकर के पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं कि इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 37.5%। अब देखिए यहाँ पे 37.5% दिया हुआ है ना, यही क्वेश्चन यही चीज है, यही डेटा आपको घुमा करके भी दे सकता था कुछ इस तरह से 37 whole 1/2%, राइट। यहाँ पर while the breadth of the rectangle is decreased by 40%, यानी कि 40% से डिक्रीज किया जाता है, इससे इतना से इंक्रीज किया जाता है और 40% से डिक्रीज किया जाता है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया, पिछले क्वेश्चंस के जैसा है, बन जाएगा इजी वे में अगर समझ में आ गया होगा तो। सबसे पहले तो 37 whole 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, अगर टेबल में जाकर के देखना हम लोग चाहें तो वहां पर भी हम लोग जाकर के देख सकते हैं, ऐसे 37 whole 1/2 को हम लोग अगर फ्रैक्शंस में लिखते हैं तो वो लिखते हैं 3/8, और यहाँ पर 40% को लिखते हैं 2/5, क्या लिखते हैं 2/5, याद रखिएगा, यूं ही मैं साइड में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आप सभी के लिए, 20% को लिखते हैं 1/5, 40% को लिखते हैं 2/5, 30% को लिखते हैं 3/5, 60% को, कितना को 60% को लिखते हैं 3/5, 80% को हम लोग लिखते हैं 4/5, और 100% को लिखते हैं 1/5, ठीक है, तो ये ऐसे याद रखने का है। इसी तरह से बहुत सारा है FUF, ठीक है, frequently used fraction। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसका इंक्रीमेंट हो रहा है, लेंथ का इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका डिक्रीमेंट हो रहा है, तो लेंथ वाला पहले ले लेते हैं केस को, ठीक है, क्या हो रहा है इंक्रीमेंट, तो बेस किसको लेते हैं जो डिनोमिनेटर में रहता है, और कितना इंक्रीमेंट करेगा जो न्यूमेरेटर में रहता है 3 से, कितना हो जाएगा 11। ब्रेथ वाला ले लीजिए केस, क्या है डिक्रीमेंट होगा, तो बेस ले लीजिए 5, इसका डिक्रीमेंट होगा कितना से 2 से, तो माइनस करेंगे 2 तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब कर लीजिए इसका एरिया निकाल लीजिए क्योंकि परसेंटेज चेंज इन एरिया फाइन पूछ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा इसको 40 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 33, कितना का चेंज हुआ है 7 का, कितना का चेंज हुआ है 7 का, तो बेस इसमें किसको लेंगे हम लोग जो है यहाँ पर बेस लेंगे 40 को, ये वाला जैसे हम लोग उस पिछले क्वेश्चन में लिए थे, कितना का चेंज हुआ है तो 7/ क्या हो जाएगा 40 और इंटू में 100 हो जाएगा, ठीक है, और इसको सॉल्व कर दीजिए, परसेंटेज वैल्यूज आपको निकल जाएंगे, ठीक है, परसेंटेज वैल्यू निकल जाएंगे, कितना आएगा इसको सॉल्व करिएगा तो ये कैंसल आउट हो जाएगा,
ये हो जाएगा 70.70 होल 1/2% हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगर होल में है या फिर पॉइंट में है दिया हुआ तो इसको लिख सकते हैं 17.5%। राइट, तो इतना परसेंटेज से एरिया में क्या होगा, चेंजेस दिखेगा। आई होप आप सभी को ही समझ रहे होंगे ये सभी ट्रिक्स से किस तरह से क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, इफ द एज ऑफ ए स्क्वायर बी डबल्ड, अगर स्क्वायर के एज को डबल कर दिया जाता है, स्क्वायर के एज को क्या कर देता है, डबल कर देता है। पहले तो स्क्वायर का एज डबल्ड, देन द इंक्रीज परसेंटेज ऑफ इट्स एरिया विल बी, इंक्रीज कितना परसेंटेज से इसका एरिया इंक्रीज करेगा वो बताना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग अगर मान लें स्क्वायर जो है यानी कि वर्ग जो कहते हैं जिसको हम लोग, वर्ग का जो अगर 10 है, क्या है, अगर 10 है एक साइड, तो इसका अगर हम लोग स्क्वायर निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, क्या होगा, 100 हो जाएगा। इसको डबल कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, डबल कर दिया जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 को डबल करेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, और 20 का एरिया कितना हो जाएगा, 400। तो कहता है कि कितना चेंज होता है एरिया में, कितना परसेंटेज का, तो निकाल दीजिए कितना का परसेंटेज का चेंजेस दिख रहा है, 300% का चेंज दिख रहा है। यही हो गया इसका आंसर। कुछ दम है ये सब क्वेश्चन में, बट जो नहीं जानेगा वो 25 घंटा से क्वेश्चन को ही सॉल्व करते रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड इज 500 स्क्वायर मीटर। अब एक रेक्टेंगुलर एरिया जो है गिवन है फील्ड का 500 स्क्वायर मीटर। इफ द लेंथ ऑफ द फील्ड इज डिक्रीज बाय 20%। अब देखिए लेंथ जो है फील्ड का 20% से डिक्रीज किया जाता है, तो 20% का मतलब क्या है बच्चा, 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू में बात करेंगे तो, देन द एरिया ऑफ द फील्ड रिड्यूसेस टू 400 स्क्वायर मीटर। अगर ये लेंथ को घटा दी जाता है तो एरिया क्या होता है, घट जाता है। कितना परसेंट से, कितना से, 400 मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो क्या करेंगे, यहां पर देखिए बेस वैल्यू लीजिए 5 को और घटा रहा है ना लेंथ को, तो कितना से घटेगा, 1 से घटेगा, तो क्या हो जाएगा, 4। क्या हो जाएगा, 4। अब देखिए पहले एरिया कितना था स्टार्टिंग में, 500, कितना था, 500। तो 500 एरिया गिवन है ना, यहां पर क्या कहता है, घट करके 400 हो जाता है, कितना हो जाता है, 400 हो जाता है। समझ में आ रहा है ना, तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ा होगा, 100 से, और इसको भी 100 से, तो कितना आएगा, 400, घट करके 400 आ जाता है, यानी कि कुल मिलाकर के कहता है कि देन द ब्रेथ विल बी, ब्रेथ का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए दोनों साइड क्या है, सेम ही आ रहा है, मतलब 100 100 ही ब्रेथ हो रहा है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। हमको 500 पुराने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से, 400 पुराने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से, इसीलिए सेम ही रहेगा। तो इसका आंसर जो होगा रिमेंस सेम होगा, रिमेंस सेम होगा। क्यों बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन में ही ना गिवन है हमको ये वाला एरिया भी और ये वाला एरिया भी, हमको तो एरिया गिवन ही है, ब्रेथ से फाइंड करना है, ब्रेथ क्या होगा, दोनों के केस में सेम ही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा अपने से फटाफट से, सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन के तरह, जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए कितना आएगा आंसर। राइट, चलिए फटाफट से करिएगा। क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड इज 500 स्क्वायर मीटर इफ लेंथ ऑफ द फील्ड इज डिक्रीज बाय 20%। इफ लेंथ ऑफ द फील्ड इज डिक्रीज बाय 20% देन एरिया ऑफ द फील्ड रिड्यूसेस 350 मीटर स्क्वायर, देन फाइंड द ब्रेथ। सेम क्वेश्चन है, क्या करेंगे, यहाँ पर लेंथ जो है डिक्रीज किया जाता है 20% से, यानी कि सेम चीजें हैं सब कुछ, सिर्फ डेटा चेंज कर दिया गया है, तो 1/5। अब लेंथ को डिक्रीज कर दिया जाता है तो बेस लेते हैं हम लोग 5 को और इसमें डिक्रीज करेगा तो हो जाएगा ये 4, कितना हो जाएगा, 4। एरिया में कितना का बदलाव हो रहा है, पहले 500 था और यहां पर दूसरा केस में कितना हो जा रहा है, 350 मीटर स्क्वायर हो जा रहा है। राइट, तो यहां पर कितना हो जाएगा, अगर इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया। राइट, अब हमको इसको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 340 को, तो सिंपल में 350 जो है, 350 को 4 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों को निकल जाएगा, है कि नहीं है, 350 को 4 से डिवाइड कर देंगे, ये जो 4 है इससे 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 87.5 आएगा। तो 87.5 जो है ना परसेंटेज से, यानी 87.5 से बढ़ाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 87.5 परसेंटेज कितना होगा, 87.5 नॉट परसेंटेज, 87.5 से क्या होगा इसको, इस ब्रेथ आया है लेकिन बढ़ाना कितना परसेंट से पड़ेगा, अगर परसेंटेज में बात करेंगे तो 100 में 87.5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा, कितना आएगा, 12.5, कितना आएगा, 12.5 से क्या होगा, जो ब्रेथ है उसको क्या करना पड़ेगा,
बढ़ाना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा कितना घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा ब्रेथ को, ठीक है, इतना परसेंटेज से 100 में घटाए हम लोग इसको जितना आया है। क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? इसी चीज को आप लिख सकते हैं 12 होल 1/2% भी, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इंक्रीज्ड बाय 16 होल 1/2/3%, यानी कि 16 होल 2/3% ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या कह रहा है कि फर्स्ट ईयर एंड ऑन द सेकेंड ईयर विल अगेन 37 होल 1/2, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 37 होल 1/2 है परसेंटेज में, ये वैल्यू को भी अच्छे से ब्रैकेट में कर लेना है। बट ऑन थर्ड ईयर इट विल डिक्रीज बाय 57 होल 1/2, यानी कि 57 होल 1/2% अब देखिए सभी का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होना चाहिए। देन फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन इफ आफ्टर द थ्री ईयर द पॉपुलेशन विल बिकम इतना, तो थ्री ईयर्स के बाद पॉपुलेशन इतना आ जाता है, तो आपको परसेंटेज में ये वैल्यूज फाइंड करना है। देखिए सभी का फ्रैक्शंस वैल्यू को मैं बता दे रहा हूँ, 37 होल 1/2 का कितना होता है आप लोगों को पता है, 3/8, अभी जस्ट कुछ देर पहले मैंने बताया था, है कि नहीं, इसका मैंने कितना बताया था 3/8 फ्रैक्शन वैल्यू बता रहा हूँ सिर्फ। इसका कितना होता है 16 होल 2/3 का 1/6 होता है, कितना होता है 1/6 होता है, और 57 होल 1/2 का होता है 4/7, कितना होता है 4/7। अब ध्यान से समझिए कौन इंक्रीज कर रहा है कौन डिक्रीज कर रहा है, इसको ध्यान समझिए, यहाँ कहते हैं डिक्रीज, तो यानी कि ये डिक्रीज कर रहा है नेगेटिव सिंबल दे दीजिए, और ये इंक्रीज कर रहा है ये वाला वैल्यू, यहाँ पर पॉजिटिव सिंबल दे दीजिए, और क्या ये वाला क्या कर रहा है, ये भी इंक्रीज कर रहा है, इसका पॉजिटिव सिंबल दे दीजिए, है ना। अब ये पता चल गया है कौन इंक्रीज कर रहा है कौन डिक्रीज कर रहा है, अब इसके आधार पर क्वेश्चन को बना दीजिए, है ना। तो अलग अलग केस है, पहला दूसरा और तीसरा, ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल करके इसका कंडीशंस को बना लीजिए, इनिशियल कंडीशन, इनिशियल और फाइनल में, ठीक है, इनिशियल और फाइनल कंडीशंस गिवन है हम लोगों को, इनिशियल और फाइनल कंडीशंस गिवन है। देखिएगा इनिशियल में क्या है बच्चों, इनिशियल में हम लोगों को सबसे पहले ले लेते हैं 6 का 1/6 का, तो 6 तो बेस लेते हैं हम लोग, इसका इंक्रीमेंट हो रहा है तो 1 से प्लस करेंगे कितना होगा 7 हो जाएगा। दूसरा हम लोग केस लेते हैं, दूसरा बात क्या बोला कि यहाँ पर 37 होल इतना से क्या हो रहा है इंक्रीज किया जा रहा है, तो 37 होल को 3/8 लेंगे बेस और इंक्रीज करेगा कितना से 3 से, हो जाएगा कितना 11। फिर क्या है बच्चों तीसरा नंबर में, यहां पर 7 है बेस और 4 से इंक्रीमेंट होगा, ये डिक्रीमेंट हो रहा है, सॉरी ये कितना हो रहा है डिक्रीमेंट हो रहा है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर कर लीजिए इसको सॉल्व, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो सीधा सीधा क्लियरली आप लोगों को दिख रहा है कि 7 और 7 क्या हो जाएगा खत्म कहानी, 7 और 7 का कहानी खत्म, है कि नहीं है, 3 2 जा 6, अब क्या बचा, ठीक है 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और यहाँ पर 11, 16 और 11 का गेम बचा है यहाँ पे, है ना। तो आफ्टर 3 इयर्स पॉपुलेशन विल बिकम इतना, तो कहता है क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 इयर्स फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन इफ द 3 ईयर्स द पॉपुलेशन विल बिकम इतना, मतलब इतना पॉपुलेशन हो जाएगा लेकिन अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन निकालिए, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन निकालने के लिए ये जो आया है ये प्रेजेंट है यानी कि फाइनल है ना, ये इनिशियल है, तो ये जो 11 आया है आपका जो ये पॉपुलेशन गिवेन है 17 187 और 132, इसको डिवाइड कर दीजिए 11 से, इसको जब डिवाइड करेंगे आप तो आपको आएगा क्या वैल्यूज जल्दी से बताएंगे, 17012 आएंगे, यही वैल्यूज आएंगे कब, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो, राइट। अब ये जो वैल्यू आया है इसको इस, क्योंकि हमको इनिशियल निकालना है प्रेजेंट निकालना है, इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, ये वाला जो इनिशियल वाला है इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू आएगा 27 2192, इतना पॉपुलेशन था उसका इनिशियल में, क्या था इतना पॉपुलेशन था उसका इनिशियल में, यही हो गया इसका आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आ रही होगी चीजें, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में किसी भी तरह का किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में लेकर के,
जल्दी से फटाफट से देख लीजिए एक बार और फिर से। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इसके सॉल्यूशंस को। देखिए प्यारे बच्चों, 37 होल 1/2 इसको हम लोग लिखे हैं ऐसा। इसको फ्रैक्शंस में चेंज किए, इसको फ्रैक्शंस में चेंज किए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को हम लोग लिख देते हैं साइड में, इसके बाद इसको बना देते हैं इसको। ठीक है, राइट। यहां तक समझ में आया अच्छे से आप सभी को? किसी भी तरह किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी, उम्मीद करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन ए लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी। लाइब्रेरी में 20% जो बुक है वो किसमें है? हिंदी में है। तो हिंदी का जो बुक है, हिंदी में कितना बुक है? 20%। 50% ऑफ द रिमेनिंग आर इन, तो 50% जो बुक है वो रिमेनिंग किसमें है? इंग्लिश में। शॉर्ट में लिखिए, इतना एग्जाम में लिखने का जरूरत भी नहीं पड़ता है। 30% जो है फिर रिमेनिंग जो है फ्रेंच में है। किसमें है? फ्रेंच में। और रेस्ट जो बचता है, एंड रेस्ट बुक बच जाता है कितना? 6300 बुक्स आर इन रीजनल लैंग्वेज। मतलब नंबर्स में दिया हुआ है 6300 बुक जो है ये रीजनल लैंग्वेज में है। कहते हैं देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। कितना टोटल नंबर ऑफ बुक्स है लाइब्रेरी में ये फाइंड करने के लिए कहता है। क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा क्या है? आसान है। बहुत ज्यादा क्या है? आसान है। रिमेनिंग रिमेनिंग अगर कर रहा है ना, तो सिंपल में ये समझिए, रिमेनिंग रिमेनिंग अगर कर रहा है तो सिंपल में घटेगा, क्योंकि बचा बचा बोल रहा है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? 20% को हम लोग लिख सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू में 1/5। इसका क्या होगा? 1/2। इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग? 30% को क्या लिख सकते हैं? जल्दी बताएंगे आप लोग। वो चार्ट वाले वैल्यू आप याद रखेंगे, 3/10 लिखते हैं इसको। क्या लिखते हैं? 3/10 लिखते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, रिमेनिंग का कहानी से शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिएगा कि ये जो है, जैसे कि 5 है टोटल, 5 से कितना होगा? रिमेनिंग का बात हो रहा है, एक घटेगा तो 4 बचेगा। फिर इसमें 2 है टोटल, एक घटेगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। 10 है टोटल, 3 घटेगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये? सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए एक दूसरे से, 7 × 4 = 4, 4 × 7 = 28, और इधर हो जाएगा 100। ठीक है, अब देखिए ये जो है हम लोगों का क्या है? इनिशियल इनिशियल, और ये है रिमेनिंग। क्या है? रिमेनिंग। तो रिमेनिंग तो गिवन भी है ना नंबर्स में। रीजनल बुक्स कितना में है? 6300 गिवन है क्वेश्चन में हम लोगों का, यानी कि 28 हम लोग का रिमेनिंग है। रिमेनिंग के 2800 बुक्स गिवन है, तो 28 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 6300 बाय 28 कर दीजिए। इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में ये कट जाएगा? आई थिंक ये कटेगा आपका 22.5 टाइम्स में, 22.5 टाइम्स में ये इसको डिवाइड करने के बाद इतना आया 22.5। इसको भी उतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा इसका? इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,500। कितना आ जाएगा? 22,500। तो यही जो हो गया, ये टोटल नंबर ऑफ बुक्स हो गया लाइब्रेरी में। ये इनिशियल में इतना किताब था, उसका इतना परसेंट, उसका इतना परसेंट, उसका इतना परसेंट करते करते लास्ट में इतना बचा हुआ था। इसको डिवाइड किए हम लोग 28 से, तो हम लोगों को इतना आया। ठीक है, 7 × 28 = 63, और इसको ऐसे किए तो 22.5 आया। मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,500 किताब हो जाएगा टोटल लाइब्रेरी में है। समझ में आ गया? इस तरह से ही एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चंस बनाने होते हैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट ट्रिक का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्या अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है? कहता है इन ए लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी। कितना है? 20% बुक जो है किसमें है? हिंदी में है। ठीक है, तो 20% आर इन हिंदी, तो 20% गिवन है। इसके बाद 25% जो है वो किसमें है? आर इन इंग्लिश, एंड रिमेनिंग जो है 30%। तो यही कहानी है, सेम क्वेश्चन है, फ्रेंच में है कितना, एंड
फ्रेंच में 30% और 2,429,400 बुक्स बच जाता है रीजनल लैंग्वेज में। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स। सेम क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद से बना करके कमेंट सेक्शन में आंसर भेजेंगे। सभी कोई इस क्वेश्चन को, जो भी जस्ट पिछला क्वेश्चन मैंने बताया है, सेम क्वेश्चन है ये वाला, इसका आप लोग खुद से सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर को भेजेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये क्लास आज का अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और भी अभी बहुत सारे वीडियोस आएंगे मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, जिसमें कि आपको अच्छे से बताया जाएगा। किसी भी बच्चों को किसी भी तरह का हेल्प चाहिए, किसी भी तरह का सजेशन चाहिए, तो आप लोग जो है हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं अच्छे से असिस्टेंट लोको पायलट का, ALP का, या फिर रेलवे का किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए, तो आप लोग हमारे ASCII ट्यूटोरियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ASCII ट्यूटोरियल ऐप को, और हमारे बैच में ज्वाइन हो सकते हैं बहुत ही मिनिमल फी में, और अपना प्रिपरेशन को जारी रख सकते हैं, अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे सभी चीजों को। किसी भी तरह का डाउट है, सजेशन है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। एडमिशन के लिए हेल्पलाइन नंबर जो है वो हम लोग का है 7903200795। इस नंबर पे आप लोग कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। नंबर जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस वीडियो में, इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्दी है अगले एपिसोड में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।